20 साल पहले ये लोग भी हमारे सामने यहाँ पर वासी बनके स्कूल में तुम्हारे जैसे ही बैठ कर पढ़ कर यहाँ से इल्म हासिल करके अपनी जिंदगी बना लेते हैं। आज सोसाइटी का सोशल समाज सेवा बोलते हैं, उसे समाज सेवा कर रहे हैं। अपने बोर्ड के ऊपर तुम्हें पढ़ रहे हैं सहारा फाउंडेशन बोलते हैं, उसके जरिए से जो असल जिंदगी में क्या करना है तुम्हें यहाँ सुनाओ। असल जिंदगी में क्या करना है अल्लाह ताला उनके जहन में डाला। ये सारे लोग ये काम नहीं करते, अल्लाह चंद लोगों को सुन लेता है, सुन लेकर उनके दिमाग के तौर तो दिमाग में गरीबों को लावारिस लोगों को जो सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड रहते हैं वो लोगों को मदद करने के लिए अल्लाह ताला इनको भेजा। वैसा हमारे स्कूल में भी यहाँ कातारुला के बच्चे कोई नहीं है, मिडिल क्लास के हैं हम सब, लेबर क्लास के भी हैं इसमें। तो तुम्हारे जो खासकर वो हेल्थ के बारे में, हमारे इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन दो दिए तो मुल्क बहुत आगे जाता है। साले असल में हमारे लोग क्या हैं उसके बारे में सोचते नहीं, ये करने का काम ही अलग, सोचना ही अलग होता है। इन जैसे कम उम्र के बच्चों में उनके दिमाग में ये बात आई बोले तो आज हमें इनके दांत देना, हमें आई जोरदार थाली मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज सहारा फाउंडेशन की जानिब से इन कोलैबोरेशन में बाशीबान एजुकेशन सोसाइटी बाशीबान स्कूल के साथ में आज डेंगू प्रिवेंशन कैंप स्कूल में रखा गया है, जिसमें जितने भी इधर स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ है गर्ल्स है, सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे डेंगू अवेयरनेस कैंपिंग, डेंगू के बारे में जो बीमारी है उसके अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ में डेंगू प्रिवेंशन यानी कि जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो हम लोग आज इनको इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप्स पिला रहे हैं। तो डेंगू की जो बीमारी है वो बारिश से पहले या बारिश के बाद में होती है, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए सहारा फाउंडेशन की जानिब से हर साल कैंप किए जाते हैं, जो हम लोग एरिया वाइज में करते हैं, शादी महल्स में करते हैं। फिर उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए सहारा फाउंडेशन ने इस साल इनिशिएटिव लिया है कि बेलगाम के जितने स्कूल्स हैं यहाँ पर जाके डेंगू प्रिवेंशन कैंप्स करेंगे और बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर देंगे। तो माशाल्लाह अभी तक पूरे स्कूल के बच्चे इधर इम्यूनाइजेशन हो चुके हैं और यहाँ के जो स्कूल मैनेजमेंट है, यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेशन किया और सहारा फाउंडेशन को बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से ये कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ। सहारा फाउंडेशन की जानिब से जितने भी स्कूल्स हैं, अंजुमन है, खंजर गली स्कूल, इस्लामिया स्कूल और सब जगह पे ये कैंप किया जा रहा है। अगर और जितने भी एरियाज़ हैं जैसे खंजर गली है, दरबार गली है, चिराग नगर, ये सारे एरियाज़ उसके साथ नगर जितने भी हैं, वीरभद्र नगर, आज़ाद नगर, अमन नगर, गांधी नगर, उज्ज्वल नगर, जितने भी एरियाज हैं सब जगह पर डेंगू प्रिवेंशन कैंप किया जाएगा। अगर किसी जमात को उनके उधर डेंगू का कैंप अगर ऑर्गेनाइज करना है तो वो सहारा फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग सब अरेंजमेंट करके देंगे। बस आप अपने जो एरिया है उधर अवेयरनेस करके डेंगू कैंप में अटेंड करने की कोशिश करें। एक और बात जो आवाम को जाननी ज़रूरी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर लेने के बाद भी डेंगू हो सकता है डेंगू, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी है वो सीवियरिटी कम हो जाती है ये डेंगू इम्यूनिटी बूस्टर की वजह से। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हर साल हर जगह पर पिलाई जाती है, हर क्लिनिक्स में पिलाई जाती है। तो जितने भी लोगों को डेंगू अगर हो रहा है ये इम्यूनिटी बूस्टर लेने के बाद भी, तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी और लाइफ थ्रेटनिंग जो बीमारी है उससे हम लोग बच सकते हैं। हमारा पर्पस यही है कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाएं और एक हेल्थी सोसाइटी को हम लोग बनाएं। हम लोगों ने ये कैंप का जो इनिशिएटिव है 8 ways to prevent डेंगू प्रिवेंशन बोल के एक कैंप कर हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग बच्चों को बता रहे हैं,
जिससे डेंगू के मच्छर को बढ़ने से हैबिटेट होने से रोका जा सकता है या फिर बॉर्न होने से रोका जा सकता है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स है हम लोग स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और उनको इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो ये पॉइंट्स को आगे अपने माँ बाप के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ आस पड़ोस में ये पॉइंट्स को डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं कासिम चांद वाले हेड मास्टर बासीबन हाई स्कूल भेंडी बाजार बड़गामी जानिब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सहारा फाउंडेशन इनके तरफ से स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस कैंप प्लस डेंगू मच्छर की बीमारी नहीं फैलने जैसा उसके बारे में मालूम कर को दिया बच्चों को, साथ ही साथ डेंगू ड्रॉप्स भी डाले हैं तो बच्चे बुखार सर्दी वैसे कुछ छोटे मोटे बीमारी से बच कर रहना, इसके बारे में सहारा फाउंडेशन वाले आकर स्कूल को बच्चों को हेल्थ अवेयरनेस देकर और मेडिसिन भी डालें, इसके वजह से आज हेडमास्टर और स्टाफ के तरफ से मैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे सहारा फाउंडेशन का मैं बहुत ही ममनून हूँ, बहुत ही उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव के साथ हमारे बाशुवन स्कूल को आए। हमारे चारों इदारे में गर्ल्स के बॉयज़ के और इंग्लिश मीडियम और प्राइमरी के इदारों में वो डेंगू का जो दवाई का जो डोज का डिस्ट्रीब्यूशन करे फ्री और बहुत सारे अच्छे बातों भी हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी बच्चों को समझाए। मैं इनके लिए और एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी इनका बाशीबन स्कूल के साथ और बाशीबन एजुकेशन सोसाइटी के साथ आगे भी ताउन रहेगा। इसी के साथ।